सो हे गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू ड्रॉ सर रतन टाटा। तो आउटलाइन मैंने पहले ड्रॉ करके रखा है यूजिंग ग्रिड मेथड, और जो रेफरेंस इमेज है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स स्टार्ट विथ हेयर। तो अकॉर्डिंग टू रेफरेंस इमेज हेयर बहुत लाइट है और हेयर्स में बहुत जो वाइट हेयर है वो भी है, इसलिए मैं पहले करूँगा क्या, एक ब्लैंक पेन लेकर पेपर में स्केच करूँगा और फिर शेड करूँगा। तो जब मैं शेड करूँगा तब इन स्केचेस की जो डेप्थ है उसकी वजह से ग्राफाइट इस स्केचेस में नहीं जाएगा एंड वो वाइट हेयर वाला इफेक्ट लाकर देगा मुझे। तो स्क्रैच हो जाने के बाद अब बारी है शेडिंग की। तो शेडिंग के लिए मैं यहाँ पर लाइट पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, आई यूज़ हियर AG पेंसिल। आफ्टर दैट आई ब्लेंड इट एंड देन मोनो इरेजर से मैं कुछ हाइलाइट्स ड्रॉ करूँगा, देन मैं डार्क वैल्यूज अप्लाई करूँगा और उसके बाद फिर से मैं ब्लेंड कर दूँगा एंड देन आई यूज़ मोनो इरेजर फॉर हाइलाइट्स। यही प्रोसेस मैं रिपीट करूँगा जब तक मुझे वो आइडियल जो वैल्यूज है वो नहीं मिल जाता, तब तक मैं इस प्रोसेस को रिपीट करूँगा। नाउ इट्स टाइम टू ड्रॉ आइस। आइस के लिए मैं 5B यूज़ कर रहा हूँ एंड आईब्रोज के लिए सेम 5B एंड 4B। देन उसको मैं ब्लेंड कर रहा हूँ और फोरहेड के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ लेयरिंग टेक्निक। यू नो दैट लेयरिंग टेक्निक इज सो अमेजिंग वेन एवर इट्स कम टू ड्रॉ स्किन। लेयरिंग टेक्निक इज बेस्ट आई थिंक इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। लेयरिंग टेक्निक में होता क्या है, आपको लाइट से डार्क जाना होता है। तो जब स्किन टोन्स की बारी आती है तब मैं क्या करता हूँ, जो सबसे लाइट पेंसिल है मेरे पास 4H है, तो मैं 4H अप्लाई करता हूँ, फिर उसको ब्लेंड करता हूँ हल्के हाथों से जेंटली। देन मैं जो डार्क एरिया से उसमें जो डार्कर ग्रेड्स है वो अप्लाई करता हूँ, देन फिर से मैं ब्लेंड करता हूँ और ऐसे ही लेयर वाइज मैं स्किन की जो लेयर्स है वो देता रहता हूँ। इससे जो इफ़ेक्ट मिलता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। आप भी ट्राई करना लेयरिंग टेक्निक फॉर स्किन टोन। ऑब्वियसली स्किन में लेयरिंग टेक्निक इज़ बेस्ट। तो रिंकल्स हो या प्लेन सरफेस हो, आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट फॉलो द रेफरेंस इमेज एंड अप्लाई द ग्रेड्स अकॉर्डिंग टू इट। तो आपको इफ़ेक्ट्स जो स्किन की जो डेप्थ है वो बहुत बढ़िया मिलने वाला है। तो जस्ट ट्राई द लेयरिंग टेक्निक एंड कमेंट्स करके बताना मुझे कि हाउ इट वर्क्स फॉर यू। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू माउथ। माउथ के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ डार्क पेंसिल क्योंकि वो बहुत ही डार्क है। तो लिप्स के लिए मैं यहाँ पर B और 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और उसको ब्लेंड कर दे रहा हूँ, और जो अंदर का पोर्शन है वहाँ पर मैं 5B एंड 8B यूज़ कर रहा हूँ और उसको ब्लेंड कर दिया। थोड़ा जो लिटिल पोर्शन आई लेफ्ट दैट पोर्शन बिकॉज वहाँ पर थोड़ा जो दांत की जो डिफ्लेक्शन है वो था और उसको मैंने डिटेल में ड्रॉ नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसे ही ठीक लग रहा था, तो मैंने उसको फिर से ड्रॉ नहीं किया। और फिर मैं जो साइड के पोर्शन है जो रिंकल्स है उसके आसपास जो हाइलाइट्स है मतलब जो डेप्थ है उसके लिए मैं 4B का यूज़ किया है मैंने, तो ताकि जो डेप्थ है वो मिल पाए मुझे। शर्ट के लिए मैंने उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया डिटेल्स में, मैंने सिर्फ जो शेड्स है उस पर ही फोकस किया है और मैंने ग्रेड्स डिफरेंट ग्रेड्स अप्लाई किया और उसको ब्लेंड कर दिया। मैंने यहाँ पर ब्लेंडिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया, डिटेल्स पर उतना ध्यान नहीं दिया। और जो कोट है वो पूरा ही ब्लैक है, तो उसमें तो कोई कुछ बताने की चीज़ है ही नहीं, बस डार्क पेंसिल अप्लाई करो और उसको ब्लेंड कर दो। सो हियर इज द फाइनल रिजल्ट। कमेंट करके बताओ कैसा लगा।
और वीडियो से कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला तो एक लाइक कर दो, एंड सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।